एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज है महालया, तो और कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा है, और अब सभी लोगों को शुभ महालया। और आज मैं जाने वाली हूँ टीफू, क्योंकि मेरा हेयर बहुत डैमेज हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ी हेयर स्पा कर लेते हैं। तो जहाँ मैं रहती हूँ हौड़ाघाट पे भी है, लेकिन सब लोग डिफू जाएगा, इसलिए मैं भी जाऊंगी, मतलब पूनम, पूर्णिमा और प्रिया डिफू वो लोग स्ट्रेट करेंगे। तो ऑलरेडी प्रिया का हेयर भी स्ट्रेट हो गया है, और पूनम और पूर्णिमा स्ट्रेट करने गया है डिफू, तो आज मैं जाऊंगी, मैं और प्रिया जाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं पहले भी डिफू जा चुकी हूँ और फिर आज दोबारा जाने वाली हूँ, और आज तो दिखाऊंगी। पहले तो मैं एग्जाम के लिए गई थी, तो आज दिखाऊंगी थोड़ी बहुत टाउन और मैं घूमूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, और कुछ ही दिनों के बाद और दुर्गा पूजा का भी ब्लॉग आएगा, और मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिए, बाय। तो गाड़ी पे चढ़ के हमने वीडियो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उल्टी हो रही थी, कि सुबह सुबह थी ना, सुबह के 8 बजे ही हम डिफू में पहुँचे, और इसलिए उल्टी होने के बाद मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं कर पाई। उतरते ही वीडियो शूट करना चालू कर दिया, और सामने ही एक बड़ा सा गणेश मंदिर है, और ऊपर गणेश मूर्ति है। इतना अच्छा लगा मंदिर को देख कर, और अंदर भी बहुत तरह की मूर्तियां हैं। यहाँ पे भी दुर्गा पूजा होता है, तो मैंने फर्स्ट टाइम डिफू में आके देखा। और मैं और प्रिया थोड़ी गुम गई थी बस से उतर के, इसलिए पूनम हम लोगों को लेने को आया, तो वो फ्रंट पे ही खड़ा हुआ था। वो भी वीडियो कर रहा है, क्योंकि वो भी ब्लॉग बनाता है। तो हम दोनों जा रही हूँ, और पूनम भी हेयर स्पा, पूनम का ऑलरेडी स्ट्रेट हो गया, आज स्पा करेगा वो, और प्रिया भी और पूर्णिमा भी, सबसे उन लोगों ने स्ट्रेट किया, और मैं स्ट्रेट नहीं करूँगी, मैं ओनली स्पा करूँगी, और मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम है। और जो पार्लर है वो पूनम का दीदी का है, और वो एकदम मेन रोड के सामने ही है, और सुबह सुबह थी ना, इसलिए हम लोग ही थी, हमारे अलावा और कोई नहीं थे। और देखिए आगे बने रहिए आप लोग। तो यहाँ पे हम पूर्णिमा हेयर पक ले चुका है, तो वो उसका स्ट्रेट होने वाला है, और यहाँ प्रिया भी टेंशन में है, क्या करेगा, स्पा भी करेगा, स्ट्रेट भी करेगा, तो बहुत टेंशन है। और हम मैं वीडियो कर रहा हूँ चुपचाप से, तो सब लोग हाय हाय कर रहा है, अभी मेरा टेंशन है। और यहाँ पे प्रिया ने क्या वीडियो बना दिया, मतलब वीडियो दीजिए नहीं बना दिया, उल्टा वीडियो और छोटा हो गया। जो भी हो, यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो रहा था, तो फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा हेयर वॉश किया ऐसा, तो पहले हेयर वॉश हो रहा था, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ही, और मेरा हेयर वॉश हो रहा था, और मुझे बहुत नींद आ रही थी, मतलब इतना थका हारा लग रहा था। और उसके बाद जो मसाज किया, मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब मैंने सोचा मैं सो ही जाऊँ यहाँ पर, सर दर्द मतलब गायब ही हो गया, मेरा सिर इतना पतला हो गया, मेरा हेयर भी इतना पतला हो गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। अरे तो मैंने हेयर स्पा में किस प्रोडक्ट यूज़ किया मैंने अच्छी तरह नहीं देखा, तो जो भी हो, लेकिन जो मैंने मसाज लिया सर पे, उन लोगों ने मसाज किया, और मैंने मतलब गर्म जो हीट होता है वो नहीं दिया, क्योंकि मेरा हेयर ऑलरेडी बहुत पतला था, तो इसलिए उन लोगों ने गर्म हीट नहीं दिया, ओनली स्पा किया, और स्पा करने के बाद नॉर्मल वाटर से धो दिया। और मैंने हेयर ड्रायर से भी नहीं सुखाया, क्योंकि मुझे हेयर ड्रायर से सुखाना अच्छा नहीं लगता, मैं फैन के नीचे सुखा दिया अपने बाल। और उसके बाद देखिए आप लोग, मतलब मेरा जो हेयर में जो शाइन था वो सिल्की, लेकिन मेरा हेयर तो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जो सिल्की वो जो शाइन देता है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो देखते रहिए।
एक बार मैं जैसे पैसा तो कम कम ना बेसि पचिश चलो লাগিলে টকা দিয়ে করিলো হয় ভালকে করিলো হয় ন মই হেটোই বেয়া লাগিছে ইমান টকা কিনে তো গৈছে তো আৰু যাক লাগিলে ভালকে হোক হ্যাঁ পুরা ফেস উঠতেছে আয়নাতে তোর ভিডিও বহুত সুন্দর হইতেছে আমি কইতাছি তুই দেখ কালে তুই বোয়াটা সুন্দর করে বো পাও সেগেয়া বলে यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो चुका है तो टॉवल से जो पानी है वो पोंछ रहा है और जो वो हेयर खींच रहा है ना जो मेरे माथे पे धूल लगती है दुखता है मतलब इसलिए मैंने खुद ही कॉम कर लिया अपने बाल को मैंने कहा दीदी नहीं करूँगी मेरा बाल को मेरा बाल बहुत पतला है वो जो सिर दिख रहा है मैंने आज देखा वीडियो जो पानी में उससे पूछने के बाद उन लोगों ने मेरे हेयर पे हेयर सीरम लगाया हेयर सीरम यूज़ किया उसके बाद कॉम कॉम कर लगाया तो मैंने कहा कॉम मैं खुद ही कर लूँगी क्योंकि मुझे ऐसे जो बाल खींचता है ना तो मुझे बहुत मतलब लगता है सिर पे लगता है इसलिए मैंने कहा मेरा टी शर्ट भी खींच चुका है तो मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही कर लूँगी अब आराम तो बहुत मज़ा आता तो यहाँ पे मेरे होने के बाद फिर हमने मतलब हेयर स्पा करना स्टार्ट किया तो उसका पहले सेम प्रोसेस पहले शैम्पू किया फिर क्रीम लगा के मसाज किया जो प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उसने बोला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और उसके बाद उसका हेयर स्ट्रेट से मतलब स्ट्रेट हो रहा था स्ट्रेटनर से तो यही प्रोसेस चल रहा है और मैंने थोड़ा बैक को जो मेरा एरिया देखा अभी हम घर में जाएंगे हमारा सबका काम हो गया तो यहाँ पे मैंने
मतलब खुद को वीडियो में नहीं ला पाती ना, मतलब खुद ही वीडियो करना पड़ता है, इसलिए मैंने प्रिया को बोला थोड़ी दिखा दो ना मेरा हेयर, तो उसने दिखाया और उसने बोला जाओ आगे आगे मैं दिखाती हूँ। तो मतलब आप लोगों को मुझे पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हेयर इतना पतला हो गया और इतना स्मूथ, बहुत अच्छा लगा। फुल ऑन स्ट्रेट, एक ऐश्वर्या, एक कटरीना और एक का नाम क्या दू। तो पार्लर से निकलने के बाद बहुत भूख लग रही थी सभी लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पराठा खाया और थोड़ी मिठाई खाई। और आगे आगे देखिए और क्या क्या खाते हैं। और सब लोग खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सब लोगों को बहुत भूख लग रही थी। और पराठा खाने के बाद थोड़ी पानी पूरी भी खाई क्योंकि फेवरेट है इसलिए। और उसके बाद मार्केट पे निकल गई क्योंकि अच्छा लगेगा तो लूँगी और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लूँगी, और दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो पर, इसलिए वीडियो भी बना रही हूँ। और देख लीजिए इतना सुंदर टाउन है, इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, हम लोगों की यहाँ से भी अच्छा। और आगे प्रिया ने टॉप दिखी, मतलब पूनम ने भी दिखा लेकिन नहीं लिया क्योंकि बहुत ढीला ढीला था इसलिए। और देखते ही देखते मतलब बारिश भी आ गई और इसलिए हम लोगों ने ऑटो ले लिया। ऑटो से लेकर हम स्टेशन में जाएंगे क्योंकि रिटर्न उसी रोड पे मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे फिर से वोमिटिंग होगा और मुझे वो लोग नहीं ला पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने मतलब सोचा ट्रेन में जाएंगे और ट्रेन का जो मज़ा वो उपभोग करेंगे, अच्छा लगेगा ना मतलब। ये हमारा ट्रेन आ गया और अभी हम जाने वाले हैं लोटा। क्या बोलता है तो ट्रेन में जाते जाते जो आधी आधी जगह पे भी बारिश हो रही थी, कहीं पे हो रही थी कहीं पे नहीं, तो हम लोगों ने अच्छी तरह बैठ गई, सीट भी मिल गई। ज़्यादातर ट्रेन में सीट बहुत कम मिलती है। और एक हंसी की बात बताओ, हमने टिकट ही नहीं काटी, विदाउट टिकट लेके ही हम ट्रेन में चढ़ गए। पहले हम घर पहुंच गए तो यहीं पे है मेरा घर, कुछ दूरी पर है, लेकिन हम मर प्रिया पूनम और पूर्णिमा सब है वो आगे है। इतनी सारा दिन के थकान के बाद ना बूमी बूमी आ रहा है गाड़ी पर।